दोस्तों आज की कथा कथित टीवी सीरियल्स और उन पर अंधा विश्वास करने वाले कुछ महापुरुषों, उनके अनुसार ना तो कभी अर्जुन एकलव्य से चले थे और ना ही उनके अंगूठे कटने पर वो प्रसन्न हुए थे, अपितु उनको आजीवन एकलव्य के अंगूठा कटने का दुख होता रहता है। परंतु दोस्तों आज हम आपको महाभारत से बताएंगे कि वास्तविकता में हुआ क्या था। अगर हम इस जगह को गौर से पढ़े तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि अर्जुन एकलव्य की धनुर्विद्या से घृणा करके द्रोणाचार्य के पास जाता है और पूछता है कि वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, आपने तो कहा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा। इसके बाद आप अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है जब एकलव्य का अंगूठा कट जाता है तो अर्जुन प्रसन्न होता है और उनके मन का भय दूर हो जाता है। आपको ये मत कहिएगा कि ये फेंक है, तो ये दोस्तों महाभारत से ही आपको हमने प्रमाण दिया। अब आप दोस्तों तीसरा स्क्रीनशॉट देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा अर्जुन के लिए नहीं कटवाया था, परंतु दोस्तों यहाँ आप खुद देख सकते हो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, ना ही कोई आम इंसान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन के हित के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा लिया था।